हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टीचिंग प्लेटफॉर्म की जहाँ पे सिर्फ 18 प्लस आपकी एज होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे 7.5 लाख प्लस ट्यूटर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, 55 लाख प्लस स्टूडेंट्स हैं और उसी के साथ 1000 प्लस कैटेगरीज हैं। आप लोग चाहे ऑफलाइन पढ़ाना चाहते हो किसी को या फिर ऑनलाइन होम ट्यूशन देना चाहते हो तब भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो। और इस प्लेटफॉर्म का नाम है अर्बन प्रो। नर्सरी से लेके क्लास 12 तक यहाँ पे क्लासेस हैं। स्ट्रीम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बीए, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, कोई भी अगर आप फील्ड पे कंफर्टेबल हो पढ़ाने के लिए तो आप यहाँ पे पढ़ा सकते हो। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपकी एक्सपर्टीज किस पे है और आप किसके टीचर बनना चाहते हो। नेक्स्ट यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं लैंग्वेज की। अगर आप में से किसी को, बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे अगर मैं एमबीए की बात करूं तो वहां पे भी फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई जाती है एक पर्टिकुलर सेमेस्टर में। तो अगर आप लोग फ्रेंच में कंफर्टेबल हो आगे पढ़ाना चाहती हूँ या फिर अगर आप लोग जर्मन आती है, इंग्लिश, हिंदी, स्पोकन इंग्लिश, आईएलटीएस की कोचिंग, ये सारी आप यहाँ पे दे सकते हो। नेक्स्ट अब मैं आपको इसमें पेमेंट का मेथड भी क्लियर कर देती हूँ। अर्बन प्रो जीरो कमीशन आपकी लेगा, यहाँ पे कोई चार्जेस उसकी तरफ से नहीं लिए जाएंगे, बट यहाँ पे अर्बन प्रो आपके कॉइन्स लेगा। अब वो कॉइन्स जो है वो आप एक टास्क करते करते आप अर्न कर सकते हो। अगर आप लेट्स सपोज 11th का पूरा कोर्स किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो तो आप उसके लिए 7,000 से 8,000 चार्ज करोगे तो वो सारा आपके बैंक अकाउंट में ही आएगा। और ये आपकी चॉइस है कि आप इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हो या कैसे लेना चाहते हो। बट अर्बन प्रो क्या करेगा, वो आपके कॉइन्स लेगा जो कि आप अर्न करोगे टास्क करके। जैसे कि अगर आप इंट्रो वीडियो अपनी अपलोड करते हो तो आपको 200 कॉइन्स वहां पे मिलते हैं, तो बस वैसे ही ये सर्कल पूरा चलता रहता है। अब मैं सीधा आपको स्क्रीन पे लेकर जाती हूँ और आपको समझा देती हूँ कि आपने यहाँ पे लॉगिन कैसे करना है और ये पूरा प्लेटफॉर्म जो है वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने अर्बन प्रो की साइट पे जाना है और उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जैसे वहां पे क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ ऊपर आपको कॉलम एक दिख रहा होगा साइन अप एज अ ट्यूटर, तो क्लिक करने के बाद ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है। अब आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैं सारी डिटेल्स अपनी यहाँ पे डालने वाली हूँ सो दैट आगे का प्रोसेस भी आप लोगों को पता चल जाए। अब यहाँ पे आप लोगों ने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हो या फिर कोई भी फील्ड के। अब ये मैं आपको समझाने के लिए, जैसे मैंने क्लास 12 ट्यूशन पे क्लिक किया तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेती हूँ एज अ कैटेगरी। अब ये चीज़ अगर आप लोग ऐड कर देते हो फिर आपको लगेगा कि नहीं मैं किसी और क्लास को भी पढ़ाना चाहता था, मुझे वो भी ऐड करना चाहिए था, तो आप टेंशन मत लेना, ये आगे आप लोग ऐड कर पाओगे। देन क्रिएट प्रोफाइल। अब ये फॉर्म है आपका मेन जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो भी स्टूडेंट आगे से हायर करेगा एज अ ट्यूटर तो वो ये सारी डिटेल्स पढ़ पाएगा आपकी, इसीलिए आपने ध्यान से यहाँ पर सारा कुछ फिलअप करना है। सबसे पहले आप देख सकते हो कि कौन कौन सी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो वो डाल दो। देन उसके बाद योर मोस्ट रीसेंट डिग्री, अब चाहे वो एक हो दो हो, आप जो भी डालना चाहते हो, शो करना चाहते हो, वो आप यहाँ पे डाल दो। हैव यू एवर टॉट इन स्कूल और कॉलेज, अब यहाँ पे आप लोगों ने येस और नो में आंसर देना है। बट अगर आप लोगों के पास स्कूल और कॉलेज का एक्सपीरियंस नहीं है बट आपने होम ट्यूशन पढ़ाई हुई है तो आप लोग वो भी यहाँ पे डाल सकते हो। आप यहाँ पे येस सिंपली मार्क कर दो। डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस इन स्कूल और कॉलेज, यहाँ पे आप अपने होम ट्यूशन का सारा एक्सपीरियंस डाल दो 4 से 5 लाइन में। डू यू टीच प्राइवेट और ग्रुप क्लासेस, येस पे टिक कर दो। 1-on-1 प्राइवेट ट्यूशन भी आप देते हो और ग्रुप में भी देते हो, दोनों में टिक। व्हाट इज़ योर टोटल एक्सपीरियंस, अब यहाँ पे जितने भी साल का आपका एक्सपीरियंस है, जैसे मेरा अगर मैं डालूँ तो मेरे पास 7-8 साल का एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने होम ट्यूशंस भी पढ़ाई हैं, मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया है और कोविड टाइम से मैं ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स में पढ़ा रही हूँ, तो सारा कुछ मिला के मैं 7-8 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे डाल रही हूँ। हाउ डू यू चार्ज पर आवर, अब एक घंटा अगर आप पढ़ाते हो तो आप उसके लिए क्या चार्ज करोगे, अब ये आपकी चॉइस है कि आप यहाँ पे क्या फिल करना चाहते हो, 200, 500, 700, जो भी आपको लगता है आप यहाँ पे फिल कर दो और उसके बाद आपने कर देना है सेव। अब ये है इसका स्टेज 2, व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस, अब यहाँ पे आपने 25 वर्ड्स तक का लिखना है, ठीक है, तो आप 3 से 4 लाइन में कवर कर देना और आपको एग्जांपल भी दी हुई है कि किस तरीके से आपने लिखना है, तो इस पूरे पैराग्राफ को फिल करना और सीधा थर्ड स्टेप पे आ जाओ। अब यहाँ पे आप लोगों ने अपनी फ्रंट फेसिंग फोटो डालनी है, यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा भी हुआ है हैविंग ए प्रोफाइल पिक्चर इंक्रीजेज योर चांसेज ऑफ गेटिंग हायर्ड बाय 10 टाइम्स, तो यहाँ पे अच्छी सी अपनी फोटो लगाना जो कि थोड़ी प्रोफेशनल टाइप दिखे। ऐसी फोटो नहीं लगा देना कि कहीं घूमने गए हो तो चलो वही लगा दी, वो मत करना, थोड़ा प्रोफेशनल टाइप अपनी लुक रखना। देन आप कर दोगे यहाँ पे अपलोड फोटो।
फोटो अपलोड करने के बाद आपने माई टास्क के ऑप्शन पे आना है और ये सारे जो यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है इन्हें ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ पे आपको टोटल 15 लेसन्स मिल जाएंगे। अब इन सभी 15 लेसन्स को आपने वन बाय वन देखना है और हार्डली 5 से 10 मिनट लगेंगे और आपको ये अर्बन प्रो की साइट पूरी समझ आ जाएगी कि यहाँ पे डेमो कैसे कंडक्ट करोगे आप, क्लास की स्केड्यूल कैसे रहेगा, स्टूडेंट को कॉन्टैक्ट कैसे करना है, पेमेंट मोड क्या होगा, कितने चार्जेस होंगे, हर एक चीज़। अब यहाँ पे मैं आपको किसी एक लेसन पे क्लिक करके बता देती हूँ, जैसे कि कंडक्टिंग क्लासेस। अब यहाँ पे आपको एक कंप्लीट वीडियो दिखाई जाएगी जहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा कि आपने क्लास को स्केड्यूल कैसे करना है, टाइमिंग कैसे सेट करोगे, स्टूडेंट को कैसे बताओगे, ये सारी चीज़ें। और जब आप ये वीडियो देख लो तो मार्क एज कंप्लीटेड कर देना। अब यहाँ पे जब आप 100% कर दोगे तो नेक्स्ट आपका काम है कि आपने अपलोड करनी है इंट्रो वीडियो। अब यहाँ पे आप बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें थोड़ा सा शर्म आ जाती है कि इंट्रो वीडियो क्यों डालें, और यहाँ पे 2 से 5 मिनट की आपने वीडियो डालनी होती है। बट मेरी तरफ से आपको यही सजेशन रहेगी कि आप इंट्रो वीडियो डालो, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका जब स्टूडेंट आपको देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि आपके बोलने का तरीका कैसा है और क्या वो समझ पा रहा है। तो इसीलिए आपको इंट्रो वीडियो डालना चाहिए और इससे आप ही को हेल्प मिलेगी। एंड लास्टली जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ लोगे उसके बाद आपने लास्ट में यहाँ पे स्केड्यूल योर फर्स्ट क्लास पे क्लिक करना है और पूरा स्केड्यूल कर दो, जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं पीछे वीडियोस में वो यहाँ पे आपने अप्लाई करनी है। अब अगर आप वो सोच रहे हो कि मिस कर दोगे तो आप आगे के प्रोसेस पे नहीं आ पाओगे और आपको बहुत आगे प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप लोग पहले वो जो 15 लेसन्स थे वो अच्छे से अटेंड करना, देन उसके बाद आप आगे बढ़ना। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। सो इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर डेली अपडेट्स।